हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपके व्हीकल से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको लंबा डैमेज हो जाता है और सामने वाला आपके ऊपर चढ़ जाता है कि यार जितना इसमें हर्जाना आया है वो मुझे अभी के अभी चाहिए, और अगर आपके व्हीकल का इंश्योरेंस है तो आप बिल्कुल मना कर सकते हैं। आप कहिए कि आपको जो करना है वो कर लीजिए। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपको पुलिस स्टेशन ले जाएगा, एक FIR दर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर आपके वाहन का इंश्योरेंस है ना, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी आपके उस डैमेज को पे करेगी जितना भी सामने वाले का डैमेज हुआ होगा। ऐसे टाइम पे देखा गया है कि बहुत सारे लोग ना बदतमीजी करने पे आ जाते हैं। तो देखिए, कभी भी अगर कोई ऐसा बदतमीजी करते हैं तो उसका वीडियो बना लीजिए ऑन द स्पॉट और पुलिस कंप्लेंट जरूर करिए, और चाहे तो आप 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं ताकि वो सारा प्रकरण वहीं पे खुद से खुद सेटल हो जाए। और लेकिन अगर बात ऐसी है कि आपका 1,500 रुपये देके कोई छोटा डैमेज है और सेटल हो रहा है मामला, तो उसे वही निपटा लीजिए। बात आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप कोर्ट में इस बात को लेके जाते हैं तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन अगर डैमेज थोड़ा लंबा है, आपको एक बहुत ज्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है, तो आप इस प्रोसीजर को जरूर अपनाएं। FIR होने दें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि डैमेज से आपको फायदा ही होगा। मिलते किसी दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय। अगर इन्फॉर्मेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें इसके एल्गोरिदम के लिए। मिलते किसी दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय।